मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं पोएम्स टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन असलम स्टीफन स्पेंडर वेन यू रीड एंड अंडरस्टैंड अ पोएम कॉम्प्रिहेंडिंग इट्स रिच एंड फॉर्मल मीनिंग देन यू मास्टर क्योस अ लिटल स्टीफन स्पेंडर ये हमारे पोइट की वेडिंग है कि जब आप पढ़ते हैं समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं उसका फॉर्मल मीनिंग समझ जाते हैं तो आपको आप लिटिल क्योस uh, हो जाता है मास्टर का देन यू मास्टर क्योस अ लिटिल तो आप क्योस मचाने की जगह थोड़ा सा मास्टर हो जाते हैं पोइट्री में स्टीफन स्पेंडर नाइनटीन जीरो नाइन टू नाइनटीन फाइव इनका लाइफ पीरियड रहा है इज एन इंग्लिश पोइट एंड एस्ट पोइम्स भी लिखते थे और एस भी लिखते थे रिटर्न ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यू एस ए इनकी राइटिंग्स सिविल राइट मूवमेंट जब चल रही थी यूएसए में तब की हैं वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन थर्टीज नाइनटीन थर्टीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम uh, इन्होंने लिखी थी अपनी राइटिंग्स रेजिज़ अ वॉइस अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड सोशल इनजस्टिस इन्होंने पूंजीवाद और सामाजिक जो भेदभाव है उसके बारे में लिखी हुई है कविता है। कविता हैं कविताएं टोन ऑफ द पोएम इस एंड फिलासफिकल इनकी कविताएं बड़ी ही साधारण और गहरा मीनिंग लिए हुई होती हैं इज़ व्यूज एंड कैपिटलिज गवर्नमेंट इज सपोज टू सप्लाई इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इनके व्यूज से गवर्नमेंट ने इक्वल एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए एफर्ट्स किए पोएम का फर्स्ट एंजा लेंगे हम फार फ्रॉम गस्टी वेवस दीज चिल्ड्रंस द हेयर टर्न अराउंड देअर पैलोर द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय विद राट्स आइज the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's gonorrheal disease his lesson from his desk at back of dim class one unnoted. sweet and young his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this but a elementary school hai. बेसिक स्कूल प्राइमरी स्कूल और ये स्कूल का क्लासरूम कहाँ है स्लम में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि स्कूल की और बच्चों की हालत कैसी है फार फ्रॉम गस्टी वेव्स गस्टी वेव्स लहरें बहुत तेज़ हैं उन सब चीज़ों से बहुत दूर ने, नेचर की और बच्चों के चेहरे कैसे हैं रूटलेस वीड्स की तरह पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम करते हैं पहले आप ये देखिए रूटलेस वीड्स क्या होता है? होते हैं प्लांट्स। जो अपने आप जाती है और उनकी जड़ें गहरी नहीं होती ना ही उनकी कोई देखभाल करता है जब जो चाहे उसको उखाड़ के फेंक देता है तो ये बच्चे इस तरह से ही हैं इनकी कंडीशन दिखाई हुई है कि इनकी ट्विस्टेड बोन्स हैं डिजीज हैं मॉल नरिश्ड हैं और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है तो ये डिजीजेस uh, के कारण जो हेरिडिट्री हमें डिजीजेस भी मिलनी होती हैं लेकिन एक एज के बाद मिलती हैं लेकिन यहाँ पर इन लोगों के की मॉल नरिष्ट हैं कुपोषण का शिकार हैं तो इनको वो चीज़ें पहले ही मिल जाती हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन लेंगे द पोइट सेज दैट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल इज़ पैथेटिक बड़ी दयनीय है इनकी स्थिति देयर वर्ड इज़ फार रिमूव फ्रॉम द ओपन खुले से कहीं इनका वर्ड बहुत ही दूर है खुली हवा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हैं हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है दे आर एज एज द रूटलेस वीड्स मैंने आपको वीड्स का बताया कि अनवांटेड प्लांट्स की तरह इनकी कोई देखभाल नहीं करता दे आर हेयर इज अनकैड इनके बाल बिखरे हुए हैं कोई देखभाल नहीं करता एंड दे हैवेल फेस विच क्लियरली इंडिकेट दे आर डिप्राइव्ड एंड अंडर नरिश्ड कंडीशन इनका पीला चेहरा क्लियरली बता रहा है कि ये वंचित हैं और अंडर नरिश्ड इनको uh, खाना भी नहीं मिलता प्रॉपर जो uh, न्यूट्रिशियस वैल्यू मिलनी चाहिए दीज चिल्ड्रन एज द टॉल गर्ल आर स्ट्रेस्ड बाय द बर्डन ऑफ देयर सरकमस्टांसेस तो ये वहां पर क्लासरूम में बैठे भी हैं लेकिन बर्डन है कि घर जाके काम करना है टेंशन है घर का देखभाल करना है दे आर एग्जॉस्टेड बोथ फिजिकली एज वेल एज इमोशनली शारीरिक रूप से भी ये थके हुए हैं और भावनात्मक रूप से भी द पेपर थिन बॉय इज स्किनी पेपर की तरह पतला सा लड़का है स्किनी पतलू हिज आईज हैव अस्केयरड लुक आंखों से ये बिल्कुल डरा हुआ है दीज अनफॉर्चुनेट बींग्स हैव इनहेरिटेड ओनली डिजीज बैड लक फ्रॉम देयर पेरेंट्स ये जो दुर्भाग्यशील बच्चा है इसने पैतृक रूप से अपने पेरेंट्स से डिजीज़ेस ही पाई हैं वन ऑफ डिजीज

उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही है एंड ही इज ड्रीमिंग अबाउट और वो सपने देख रहा है प्लेइंग गेम्स इन द ओपन कि खुले में वो गेम्स खेलेगा खेलेगाटली ग्लूम हैज स्टिल नॉट एनवेलप्ड हिम और उदासी ने उसे अभी तक कवर नहीं किया तो बेटा हमने फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन ली है कि ये बच्चे फर्स्ट लाइन फार फ्रॉम द गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस रूटलेस स्वीट्स ये हवाओं से दूर हैं बाल बिखरे हुए हैं उनके पैलोर पीले चेहरे पर चेहरे पर लड़की जिसका सिर झुका हुआ है अब ये टेंशन से झुका हुआ है एक लड़का है जो कागज़ की तरह पतला है चूहे की तरह आँखें हैं उसकी हड्डियाँ मुड़ी तुड़ी हैं अनलक्की वंशज है वंशज है अपने परिवार का जिसने गनर्ल्ड डिजीज गनर्ल्ड होता है गठिया डिजीज अपने फादर से पाई है और वो अपने लेसन्स नहीं पढ़ पा रहा उसको दिखाई नहीं दे रहा डिम क्लास में और एक और लड़का स्वीट सा छोटा सा बैठा है जिसकी आंखों में सपना है कि वो गिलहरी की गेम खेलेगा ट्री रूम में जाकर पेड़ के ऊपर जो गिलहरी ने छोटा सा घर बनाया होता है अदर देन दिस वो सपने ले रहा है तो फर्स्ट इंजॉय किया हमने देन नाउ नेक्स्ट चेंजा अब ये नेक्स्ट चेंजा में बेटा क्लासरूम की कंडीशन दिखाई हुई है कि कैसे क्लासरूम में शेक्सपियर की फोटोग्राफ लगी हुई है और पेंटिंग लगी हुई है जिसमें डूम्ड वैली दिखाई गई है सिविलाइज गुम्बज दिखाए गए हैं हैजा टू में लेते हैं ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस यहाँ पर दीवारों पर पेंट हुआ हुआ है जो कभी किसी ने दान दे दिया था और उससे शेक्सपियर्स हैड और वहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है शेक्सपियर की क्लाउडलेस एट डॉन और मॉर्निंग में क्लाउडलेस है ये पेंटिंग में ही दिखाया गया है सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज बेटा गुम्बज वगैरह जैसे हमारे यहाँ गुरुद्वारों पर या मंदिरों पर होते हैं वो कब होते हैं जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती हैं आपने किसी झुग्गी झोंपड़ी में बड़ा बड़ा सा मंदिर देखा है ऐसा नहीं होता जहाँ पर लोगों के खाने पीने की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद ही मंदिर गुरुद्वारे वगैरह ये चीज़ें बनती हैं तो ये दिखा रहे हैं कि पेंटिंग लगी हुई है बेल्ट बेल्स लगी हुई हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं ट्रॉलीज वैली ट्रॉलीज वैली की घाटी दिखाई हुई है ओपन हैंड मैप जो फोल्ड होने वाला मैप है अवॉर्डिंग वर्ड्स वर्ड वो उनको बता रहा है कि ये वर्ड है वर्ड का मैप कैसे होता है लाइनें आपके लिए तो मीनिंगफुल है कि आपने देखा हुआ है कि ये लाइन से ये ऑस्ट्रेलिया है ये इंडिया है एट्सेट्रा पर इन्होंने जब अपने घर झुग्गी झोंपड़ी से बाहर निकल कर हवा ही नहीं देखी तो इनके लिए वो वर्ड का मैप क्या मायने रखता है एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देर वर्ड तो इसलिए इन बच्चों के लिए ये मैप वर्ड नहीं है विंडो नहीं है जो एजुकेशन होती है वो विंडो टू वर्ड होती है हमें शिक्षा से आगे बढ़ाती है लेकिन इनके लिए नहीं है वेयर ऑल देअर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉक जहाँ पर ये देख रहे हैं इनका फ्यूचर में धुंधला ही धुंधला इनको कुछ आगे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्लियर दिखाई देना कुछ भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा कि आगे ये ये करेंगे द नेहरू द नैरोट नो होता है टाइट टाइट जो गलियां हैं सील्ड इन विद लेड स्काई ये फैक्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं अगर ऊपर देखते हैं तो इनको धुएँ वाला आकाश दिखाई देता है साफ हवा तक नहीं देखी साफ आसमान नहीं देखा इन्होंने फार फ्राम रिवर्स रिवर्स से बहुत दूर केप्स खाड़ियों से दूर स्टार्स ऑफ वर्ड्स स्टार्स तो इन्होंने सिर्फ शब्दों में सुने हुए हैं देखे तो हैं ही नहीं एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं द क्लासरूम वॉल्स हैव अ डर्टी अपियरेंस एज दे बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि जब पेंट हुई थी तब किसी ने डोनेशन दी थी तब वाइट थी और अब क्रीम वॉल्स हो गई हैं इन अदर वर्ड दिज चिल्ड्रन इनहेबिट अ वर्ड विच इज ड्रेरी एंड डिप्रेसिंग ऐसे वर्ड में रहते हैं जो इनको निराशा देने वाला वर्ड होता है ऑन द वॉल्स आर डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ पीपल हु हैव गिवन डोनेशन्स तो लोगों के नाम लगे हुए हैं जिन्होंने कभी डोनेशंस दी थी द बर्स्ट ऑफ शेक्सपियर विद द बैक ग्राउंड ऑफ़ क्लियर स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है शेक्सपियर की पिक्चर है एक्चुअली शेक्सपियर जो पोइट या फिर स्टोरी राइटर हैं वो पैलेसेज के हैं महलों के हैं तो उनकी पेंटिंग में वही दिखाई दे रहा है तो इन बच्चों ने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है द वॉल्स ऑल्सो हैव सीनिक पिक्चर ऑफ ट्रॉलीज़ वैली ट्रॉली घाटी की पिक्चर है विद इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स प्रजेंटिंग अ वर्ड ऑफ इट्स हेवनली स्पलेंडर अब ये फूलों वाली घाटी दिखाई गई है जिसमें स्वर्ग वाला सब आनंद दिखाया गया है जो इनके लिए मीनिंगस है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इन सब के अलावा द वॉल्स ऑल्सो हैव अ मैप रिवीलिंग दर्ड विच दियू फ्राम द क्लास रूम विंडोज क्लास रूम की विंडो से ये वर्ड भी देख रहे हैं मैप भी देख रहे हैं विच इज फॉगी एंड हार्श अब मैप तो देख रहे हैं लेकिन इनको अपने क्लास रूम की विंडो से फॉगी और रफ वर्ड दिखाई दे रहा है इट रिप्रजेंट्स अ डार्क एंड ब्लिक फ्यूचर ये सिर्फ अंधेरा फ्यूचर दिखा रहा है हल्की कोई रोशनी दिखाई दे रही है विद नो होप इन एम्यलेशन भविष्य में कोई भी इनको उम्मीद नहीं दिखाई दे रही देअर आईज कैन ओनली व्यू ए नैरो रोड तंग गली देख सकते हैं विच इज एनक्लोज विद डल स्काई जिसमें ऊपर डल स्काई है द पोइट सजेस्ट दैट दीज चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड इन द होपलेस सिचुएशन ये निराशा की स्थिति में फंसे हुए हैं एंड देयर रियलिटी इज फार रिमूव फ्रॉम द लिटरेरी वर्ड और ये जो साहित्यिक वर्ड दिखाया गया है क्लास रूम में ये इनसे वास्तविकता से कहीं दूर है विच लिस विद द ब्यूटी ऑफ नेचर जिसमें नेचर की ब्यूटी दिखाई गई है सच एज रिवर्स एंड हाई हाई लैंड जेटिंग फ्राम द सी बट माउंटेन्स या पठार यहाँ पर दिखाए गए हैं कि ये इन सब चीज़ों से दूर हैं। इनके लिए ये सब चीजें मीनिंगलेस हैं जो क्लासरूम में पिक्चर लगी हुई है ट्रॉलीज वैली में बेटा देखो फ्लावर्स हैं एंड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाईज डूम राइडिंग ऑल ओवर सिटीज़ ये गुम्बज वाली सिविलाइज सिटी दिखाई गई है सभ्य लोग जहाँ रहते हैं लेकिन इनके लिए तो झुगी झोंपड़ी ही है ट्रॉली प्रोविंस इन ऑस्ट्रियन एल्पाइन रीजन तो ये पहाड़ी स्थान पर जो लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया वहां पर दिखाया गया है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड वर्ड अब आप ये देखो बेटा ये झुग्गी झोंपड़ी दिखाई गई इनको आप वर्ड का मैप दिखाओगे इनके लिए क्या है इन्होंने तो कैसे झुग्गी झोंपड़ी में ये रह रहे हैं और इनके लिए वर्ड का क्या मीनिंग है मैप का कोई मीनिंग ही नहीं है इनके लिए कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये कुछ बन सकते हैं एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज आर नॉट दिस मैप वर्ड इनके लिए तो यही वर्ड है इन्होंने झुग्गी झोपड़ी देखे इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ये फ्यूचर इनका फॉगी है डस्ट गंदगी में रहते हैं ये लेड वाला स्काई नाउ नी शेक्सपियर इज विकेड अब इनका मेंटल स्टेट क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इनकी फिजिकल कंडीशन देखी सेकंड पैराग्राफ में हमने क्लासरूम की सिचुएशन देखी कि कैसे है नाउ no, ये बच्चे क्या सोच रहे हैं इनका मेंटल स्टेट क्या है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड ये सोच रहे हैं कि ये आदमी कितना चालाक सा है जिसकी फोटो लगी हुई है शेक्सपियर द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल इनके लिए मैप तो इनको लग रहा है पता नहीं क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हुई हैं विद शिप्स एंड सन विद लव देम टू स्टील जो शेक्सपियर की सिविलाइज uh, डूम uh, वाली पिक्चर दिखाई गई है उसमें शिप और सन दिखाया गया है ये उसको देखकर ये सोच रहे हैं काश इनकी हम चोरी कर लेते तो कितना पैसा हम कमा सकते थे जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा और उसको आप पढ़ाओगे बैठ के तो उसका दिमाग तो वहीं चलेगा ना कि कैसे मैं अपनी दो रोटी कमा सकता हूँ फॉर लाइव दैट सलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स सलीली वेरी क्लेवरली चलाकी से जिंदगी बड़ी चलाकी से तंग चूहे जैसे होल्स जैसे होते हैं उनके बिल में इनकी घूम जाती है कि ये बाहर आते भी हैं तो वापस बिल जैसे झोपड़ियों में पहुँच जाते हैं फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट फॉग क्या है? इनका दिन धुंधला रात अंधेरी है ऑन देयर स्लैग हीप स्लैग डर्ट हीप ढेर गंदगी के ढेर पर दीज चिल्ड्रन ये बच्चे वियर स्किन इन्होंने स्किन पहनी तो हुई है इनकी हड्डियों पर पता तो चल रहा है स्किन पहनी है इनके ऊपर लेकिन हड्डियां बाहर निकल कर झाक रही है दैट मीन्स इनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही खराब है मॉल नरिश्ड है um, कुपोषण का शिकार है एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील चश्मा पहना हुआ है इन्होंने स्टील का दैट मीन्स नजर कमजोर है विद में ग्लास और चश्मा भी कैसा है आप ये सोचो बेटा अगर चश्मा पे अगर हल्का सा धुंध आ जाती है तो हम उसको साफ़ करके पहनते हैं और इन्होंने तो जो ग्लासेस हैं जो स्पेक्स में लगे हुए हैं चश्मे में वो भी रिपेयर किए हुए हैं टूटा हुआ है और उसको रिपेयर किया हुआ तो देखना कितना मुश्किल होगा लाइक बॉटल बेडसन स्टोन उस चश्मे में जो ग्लास डला हुआ है वो ऐसा डला हुआ है जैसे किसी ने कांच की बोतल को तोड़ दिया हो स्टोन से तो दैट मीन चश्मे को उस चश्मे को रिपेयर करके पहना हुआ है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम इनका सारा समय और जगह उस धुंधले स्लम में बीतता है सो ब्लॉट देयर मैप्स ब्लॉट होता है रिमूव तो ये मैप्स रिमूव कर दो इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इनको वर्ल्ड के मैप का कुछ पढ़ाने का विद स्लम्स एज बिग एज डूम इनके लिए जो स्लम्स हैं जो झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके हैं वो इतने बड़े हैं जैसे कब्रिस्तान हो यहां दो डोम डी ओ एम ई पिछले पैराग्राफ में किया था वो होते हैं गुंबज। ये -O -O होता है है कब्रिस्तान जैसे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में पेंसिव पोइट पेंसिव होता है सैड सैड पोइट सडनली टर्न्स बिलिग्रेंट एग्रेसिव बिलीग्रेंट होता है एकदम गुस्से में आ जाता है एंड फील्स दैट शेक्सपियर इज विकेट उसको लगता है कि शेक्सपियर बहुत चलाक सा है इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है पैलेसिस वगैरह की बात करना दिस इज बिकॉज ही मिसलीड्स द चिल्ड्रन तो बच्चों को ये गलत राह पर लेके जा सकता है ही शोज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ शिप्स क्योंकि शेक्सपियर के उसमें तो महल दिखाए गए हैं शिप्स दिखाए गए हैं सन गया है लव विच इज नॉट ओनली unreal for फॉर देम और लव तो इनको पता ही नहीं क्या होता है इनको कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं है बट इट हैज़ अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दीज चिल्ड्रन तो इनके ऊपर करप्ट इफ़ेक्ट आता है इंस्टीगेट्स देम टू स्टील इनको इन चीज़ों को देख कर इनका मन करता है कि इनको चोरी कर लें एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देयर क्रैम्प्ड होल्स और अपने बिल जैसे घरों से ये बाहर निकल के बचकर निकलें देअर एग्जिस्टेंस इज इन डीड वेरी सैड इनका जो रहना है वहाँ पर बड़ा उदासी भरा है दीज एमीशेड चिल्ड्रेन आर सो थे बेचारे बच्चे इतने पतले हैं दैट इट अपियर्स डेट दे आर वेयरिंग स्किन ऐसा लगता है कि चमड़ी इन्होंने पहनी हुई है और हड्डियाँ बाहर झाँक रही हैं द स्पेक्टिकल्स दे आर वेयरिंग हैव ग्लास चश्मे के अंदर ग्लास तो है शीशा तो है विच हैज़ बीन ब्रोकन एंड मैंडेड जो टूट गया है और उसको जोड़ के पहना हुआ है तो कितनी डिफिकल्टी होती होगी देखने में देअर एंटायर अपेयरेंस रीक्स ऑफ देयर डिप्राइवेशन इनकी पूरी अपेरेंस ये दिखाती है कि ये वंचित है डिप्राइवेशन वंचित होना किस चीज़ से द पोइट शोज हिज आउटरीच आउटरीच होता है एंगर गुस्सा बाय सजेस्टिंग दैट द मैप्स ऑन देअर वॉल्स शुड बी शुड शो ह्यूज स्लम्स इंस्टेड ऑफ़ ब्यूटिफुल सीनी ग्राफिक्स तो पोइट को गुस्सा आता है कि क्यों मैप्स दिखाए जा रहे हैं क्यों इनको ऐसी सीनरीज दिखाई जा रही हैं जबकि इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है नेचुरल चीज़ें नहीं देखी ना हवा देखी है ना सन देखा है ना रिवर्स देखी हैं तो इनको दिखाने का क्या फ़ायदा है तो ये ब्लॉट रिमूव कर देने चाहिए और इनको तो सिर्फ झुग्गी झोंपड़ी दिखानी चाहिए तो ये वर्ड है इनका बेटा अवे फ्रॉम दीज बोन्स दिखाई दे रही हैं, गंदगी के ढेर पर बैठे रहते हैं इनके लिए इनकी कोई केयर नहीं करता नाउस्टेंजा फोर लास्टा अब पोइट रिक्वेस्ट करता है कि जब तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक सोसाइटी को चेंज नहीं किया जा सकता और सोसाइटी में इनवालिटी है भेदभाव है जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा है ये उस समय की बात है जब पोट फ़ॉरेन जहाँ से ये हैं अमेरिका से तो वहाँ पर इनक्वैलिटी थी अब वहाँ पर तो उतनी नहीं है इंडिया में अभी भी आप ये स्टेटस देख सकते हो ना द फोर्थ अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर या विजिटर कोई भी देखने आते हैं ध्यान नहीं देंगे दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट ऑन देयर लाइव लाइक कैटाकोम्स जब तक ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये मैप इनके लिए विंडो कभी बन ही नहीं सकता ये विंडो इनके लिए कैसी है देयर लाइव लाइक कैटाकोम्स कैटाकोम्स होता है बेटा कब्र के ऊपर जो फाइनली पत्थर दे दिया जाता है जिससे जो मरा हुआ व्यक्ति कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता अदरवाइज़ ये मैप्स इनके लिए कब्र के पत्थर की तरह इनकी जिंदगियों के ऊपर पड़ा रहेगा तो इनके जब तक ये लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक ये मैप इनके लिए विंडो नहीं बन सकता इनको कुछ और दिखा आगे बढ़ा नहीं सकता दिखा नहीं सकता अदरवाइज़ ये मैप इनके लिए कब्र का पत्थर बनकर पड़ा रहेगा इनकी जिंदगियों पर ब्रेक ओ ब्रेक ब्रेक ओ ब्रेक यहाँ पर रेपीटिशन हो रहा है ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन तो पोइट हमारा वार्निंग दे रहा है कि तोड़ दो इन सब चीज़ों को ऐसा ना हो कि ये बच्चे तोड़ डालें इस शहर को एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ एंड मेक देयर वर्ल्ड और इनका संसार बनाओ क्या रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स इनको गोल्डन स्टैंड मिट्टी पर दौड़ाओ ये दौड़े देखें नेचुरल चीजें एंड लेट देयर टंग्स और ये नेचर जो है इनकी भाषा बन जाए इनको बुकिश नॉलेज देने की जरूरत नहीं है इनको नेचुरल चीजें दिखाओ ताकि उससे इनका हेल्थ सुधरे और ये अह चीजों को देख सकें और फिर इनका बुक्स में इंटरेस्ट आए रन नेग्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन इनको नंगे पाँव दौड़ने दो उन किताबों पर जिनके पेजेस सफ़ेद और हरे हैं दैट मीन्स नेचर हरे भरे घास मैदानों में इनको दौड़ने दो ये नेचर इनकी किताब बन जाए हिस्ट्री देर्स हुज लैंग्वेज इज द सन इतिहास उनका होता है जिनका भाषा सूर्य होते हैं जिनके लिए अगला दिन उगता है इतिहास उनके लिए पिछला दिन बनता है नहीं इनके लिए तो कुछ भी नहीं है इनको तो कुछ आगे भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा नाउ द एक्सप्लेनेशन तो इन बच्चों को नेचुरल सन रिवर्स ये चीजें दिखाई जाएं इनको इन झुग्गी झोपड़ी के इलाके से बाहर निकाला जाए साफ सुथरा इलाका दिखाया जाए एक्सप्लेनेशन इट इज कॉन्सिलेटरी टोन Uh, कटाक्ष व्यंग कर रहा है द पोइट अपील्स टू द गवर्नर अपील्स रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू डू समथिंग टू इम्प्रूव देयर कंडीशन कि इनकी कंडीशन इम्प्रूव की जाए इफ देयर इज पॉलिटिकल विल दिस मैप शोइंग द ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउटसाइड कैन बिकम देयर रियलिटी टू अगर आप पोलिटिकल विश है कि ये मैप इनको ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाना ही है तो बजाय कि इनको लाइनों में दिखाकर क्लासरूम में दिखाकर इनको रियलिटी में दिखाया जाए द पोइट होप्स द अथॉरिटीज वुड रियलाइज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नैतिक कर्तव्य क्या है अथॉरिटीज का वो समझे एंड फ्री दीज चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ग्रेव लाइक एंड्रैपमेंट्स कब्रिस्तान जैसे झुग्गी झोपड़ियों से इनको बाहर निकाले ही वॉन्ट्स ऑल द बैरियर्स टू बी पुल डाउन चाहता है कि सारे जो बंधन हैं तोड़ दिए जाएं। बैरियर्स दैट कीप अवे ट्रू एजुकेशन फ्रॉम देम ऐसे बंधन जो इनको वास्तविक शिक्षा से दूर करते हैं द चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू एक्सपीरियंस एंड होलसम सम बाउंड्रीज ऑफ नेचर व्यू बच्चों को इतनी फ्रीडम दी जाए कि ये खुद अनुभव कर सकें नेचर की बाउंड्रीज़ को ब्यूटी को खुद व्यू कर सकें ग्रीन फील्ड्स रन ऑन गोल्ड सैंड गोल्डन सैंड पर दौड़ सकें लेट देम रीड बुक्स एंड लेट देम ब्रीद इन फ्रेश एयर इनको किताबें पढ़ने दो वास्तविक शिक्षा देखने दो इनको कि नेचर क्या है और फ्रेश एयर में ब्रीद करने दो तो इनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी लेट देम डिसकवर देम सेल्फ एंड लेट देम बी क्रिएटिव इनको खुद से क्रिएटिव बनने दो सो दैट देयर नीम्स कैन ऑल्सो एंटर द बुक्स ऑफ हिस्ट्री ताकि इतिहास में इनका नाम भी आ सके अदरवाइज तो इनको कोई पहचानता भी नहीं है ना इनकी कोई केयर करता है तो ये अगर नेचर को देखेंगे तो ये खुद क्रिएटिव बनेंगे और इनका भी इतिहास की किताबों में नाम आएगा लेट देम फाइंड देयर प्लेस इन द सन इनको भी सूरज की रोशनी में अपनी जगह ढूंढने दो सो द थीम ऑफ द पोएम इज द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस सामाजिक भेदभाव दिखाया एंड क्लास इनईक्वेलिटी कैसे जातीय भेदभाव होता है स्पीक्स ऑफ टू डिफरेंट इनकम्पेटिबल वर्ड्स एक तो बहुत रिच वर्ड दिखाया गया है जो पेंटिंग में या शेक्सपियर वाला और दूसरा झुग्गी झोंपड़ी वाला वॉइस इज कंसर्न एज दे डो नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय द ब्लेसिंगस ऑफ लाइफ और पोइट अपनी आवाज़ उठाता है कि ये बच्चे जो नेचर uh, की चीज़ें हैं उनको एन्जॉय नहीं कर पाते जिंदगी की जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उनको ये नहीं देख पाते हाईलाइट द आयरनी ऑफ द लाइफ इन द ट्वेंटियवेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो उस समय अपोजिट चीज़ें दिखाई हैं कि वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है उसके बावजूद भी ये बच्चे पीछे हैं वे द वर्ल्ड हैज़ मेड सो मेनी एडवांसमेंट जेट द एटमोसफियर ऑफ ग्लूमिनस प्रीवेल्स संसार इतना आगे बढ़ गया फिर भी उदासी ग्लूमिनस उदासी अभी भी प्रिवेल कर रही है, है इस दुनिया में यूज एलेग्री एलेग्री टू ब्रिंग आउट हिज एंग तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए एलेग्री यूज़ करिए तो कुछ ऐसे बेटा लोग हैं जो इन लोगों के लिए अभी भी काम कर रहे हैं दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ़ द पोएम पर आपको जनरल पता होना चाहिए तो ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे नोबल लॉरेंट कैलाश सत्यार्थी बेटा ये नोबल प्राइज विनर हैं, जो करोड़पति में भी आए हुए हैं एक बार तो ये बच्चों के लिए एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं आनंद कुमार हैं सुपर थर्टी प्रोग्राम जो बिहार में जिनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है आ, तो ये भी गरीब बच्चों को ही दे रहे हैं एजुकेशन अवल पखे जनलन अब्दुल कलाम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन्होंने भी रामेश्वर तमिलनाडु में बहुत सारा काम किया है बच्चों के लिए सोनम वेंगचुक सोनम वेंगचुक भी आपने करोड़पति में भी देखे हैं थ्री इडियट्स भी इन्हीं के ऊपर मूवी बनी हुई है ये भी ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देते हैं गीता धर्मराजन राइटर हैं एडिटर हैं एजुकेटर हैं तो ये भी छोटे गरीब बच्चों के लिए बहुत काम करती रहती हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स रीड द पोएम एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड पोइटिक डिवाइसेस